ऊपर से है शक्ति इसमें अंदर से है नरमी। पत्थर दिल भी पिघले आखिर बात में ऐसी गर्मी। आन बान से जीने वाले दुखियों की है जान। सपने में भी दिख जाए तो जालिम हो परेशान। जीवन की मर्यादा ताई जीवन की शान। ताई जीवन की मर्यादा ताई जीवन की शान। एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान। एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान। ताई 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 सपना देख रहा था। राम राम ताई। राम राम, खेतों पे जा रहे हो? हाँ, और तुम क्या बकरी के लिए पत्ते तोड़ने गई थी ताई? हाँ, आखिर ये भी तो एक काम है। हाँ, सो तो है ही। ताई, एक बात कहनी थी तुमसे। अरे एक नहीं, सौ के है। ताई, ये जो तुम गांव में आजकल काम कर रही हो ना, ये तुम्हारे काम हमारी समझ में नहीं आते। हमारे क्या गांव में किसी की भी समझ में नहीं आते? अरे साफ साफ कह, क्या कहना चाहता है? ये दो मानी बातें मुझे पसंद नहीं। देख ताई, मुझे भी फालतू बकवास करने की आदत नहीं है। अरे कह तो रही हूँ, कह साफ साफ क्या कहना चाहता है। देख ताई, मेरी तो हाथ जोड़ के बस एक गुजारिश है, इस गांव में तुम जो चाहे करो, लेकिन इस गांव में फूट मत डालो, इस गांव को दो धड़ों में मत बांटो, बस। अरे दे लिया है क्या, क्या पगला गया है? शर्म नहीं आती मुझ पे ये इल्जाम लगाते हुए? मैं ऐसा क्यों करूंगी जिससे गांव का नुकसान हो? ये गांव को दो हिस्सों में क्यों बांटूंगी पता? और आजकल जो ये स्कूल में तैयारी चल रही है, उससे किसी का क्या भला होगा भला? अच्छा, अरे तू ही सारी बात समझ जाएगा तो घोड़े को घास कौन खिलाएगा? अरे चल रही, मुँह लगना और दिल्ली पैदल जाना बराबर है। शारदा, ये ताई पना अपना गांव में झाड़ो, मेरे सामने झाड़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मत चीख। अच्छा, हमारे काम में हाथ नहीं बटा सकता तो अलंगा डालने की भी जरूरत नहीं है। तू क्या समझता है, ताई डर के पीछे हट जाएगी या तू डरा धमका के मुझे मेरा काम करने से रोक देगा? ये तेरी बड़ी भूल है सरपंच, समझा? पता नहीं क्या समझता है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, किसी लाट कलेक्टर से कम अकड़ नहीं है इसकी। अरे मेरी बहना, तीजों का आया है त्योहार, बालम तो लाए बाजनी। मेरी बहना, तीजों का आया है त्योहार, बालम तो लाए बाजनी। काला जंगालीर चूड़ा नाही पहनूंगी, काला जंगालीर चूड़ा नाही पहनूंगी। काले तो राजा जी के केस, महाराजा जी के
केस चूरा तो हाथी दांत का अरे बहना तीजो का आया है त्योहार बालम तो लाए बाजनी बहना तीजो का आया है प्यार ना करियो करियो दिल टूट अरे ओ राजू के बच्चे अंधा हो गया है क्या क्या हुआ सलमा कहता है क्या हुआ अरे देख नहीं सकता तो सोच तो सकता है और सोच नहीं सकता तो देख तो सकता है ना देख सकता है तो सोच हाय अल्लाह सारा खराब कर दिया अब इधर क्या देखता है उधर देख अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं देखा ही नहीं था अरे अब तो देख रहा है ना अगर नजर नहीं आता तो चश्मा पहन ले टीन का अब इसे हटाएगा भी यूं ही खड़ा मुंह ताकता रहेगा आ रहा हूँ ना अरे क्या हुआ देखो ने क्या किया ओहो अच्छा तुम लोग हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो लो अरे तू गेलिया है क्या ये क्या करा मैं गेलिया नहीं हूँ बिल्कुल ठीक हूँ गेलिया है गेलिया जब भी कोई काम होता है ना राजू बेटा ये कर ले राजू बेटा वो कर ले राजू बेटा चाय नहीं लस्सी पी ले पायल सुन ले मैं कुछ नहीं करने वाला हाँ हाँ तो धौस किस पे जमा रहा है देख मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ तुरतुरी कहीं की ए देख मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा खबरदार जो मुझे कुछ कहा तो कहूंगा 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 गेली 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 ओहो चुप कर और तू भी चुप कर अच्छा ये बता जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था वो काम हुआ कि नहीं हाँ हो गया वाह मेरे लाल जीता रहे अब ऐसा कर हाथ मुंह धो ले और कुछ खा पी ले अब हाँ हाँ हाथ मुंह धो ले जैसे बड़ी कमाई करके आया है ना अब देख ले ताई ओहो तुम दोनों झगड़ा ही करते रहते हो अब जल्दी से काम को खत्म करो मुझे भी बहुत से काम निपटाने हैं ओए तू क्या सोचती है ये लिपाई तू ही कर सकती है मैं भी कर सकता हूँ तो करना मना किसने किया है तो करना मना किसने किया तो देखना सब फिट फाट अब उठेगा भी यूं ही फिटफाट करता रहेगा और कहो तो तकिया और तोशक भी यहाँ लाकर रख दूं चलो अब नहा धो ले वैसे ज्यादा बड़बोलेपन का ना यही नतीजा होता है तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला वो है तो अरे जल्दी कर नल समझ रखा है क्या मेहनत करके भी खा लिया कर चल चल क्या राम राम मास्टर आ बैठ अरे कान के पास से इस बाजे को हटाएगा भी अब बता काम हो गया मेरा काम तो पूरा है ताई पर क्या पर मैं सोच रहा था कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिसमें गांव वालों की मर्जी शामिल ना हो भाई सब कुछ ठीक ठाक अच्छी तरह हो जाए तो ही अच्छा है ना पर वो लोग तो वो लोग कौन वो लोग अरे कहीं तू सरपंच और लाल सिंह की बात तो नहीं कर रहा अरे उन दो के अलावा कौन हमारी मुखालफत करता है बोल अरे वो दोनों ही तो अपने को गांव समझते हैं अरे तो समझा करें गधा अपने को घोड़ा समझने लगे तो ये उसकी ना समझी है हम इन बातों की परवाह नहीं करनी ये तो वही बात हुई कि गीदड़ हुआ हुआ करे और रागीर अपनी राह चले हमें तो मास्टर जी अपना ही काम करना है बस वो तो ठीक है लेकिन झगड़ा ना ही हो तो अच्छा है ना अरे तो कौन हम उनसे झगड़ा करने जाते हैं वही सरपंच बात बात पे मुझसे उलझता है अच्छा अच्छा ठीक है तुम लोग अपनी तैयारी पूरी रखो मैं अपना काम पूरा करता हूँ देख ताई तो पीछे हटने वालों में है नहीं बस हमारा काम बखत पे होना चाहिए चाय बनाती हूँ तेरे ना ना मैं चाय नहीं पीऊंगा ये कोई चाय पीने का वक्त थोड़ी है काम बहुत पड़ा है मैं जा रहा हूँ क्या गर्मी है
बैंड वाला मालूम पड़ता है। ये है क्यों आया? राम राम भैया। राम राम। सलाम लाल सिंह भाई। कहो कहाँ जा रहे हो? भाई तुम्हारा भतीजा ही तो बुलाने गया था। मेरा भतीजा? हाँ हाँ, तुम्हारा भतीजा राजू। लेकिन क्यों बुलाने गया था? ताई ने भेजा था, होगा कोई काम। तुम्हें मालूम है क्या? नहीं भैया, मुझे तो नहीं मालूम है। चलो भाई महेंद्र बढ़ा लो आगे। अच्छा भैया, ये हबीब बैंड वाला यहाँ आया क्यों है और ताई ने इसे बुलाया क्यों है? और ये राजू, इसे घर का काम बोलो तो नानी याद आती है। सलाम 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 मास्टर जी। सलाम भाई सलाम। काम का कुछ पक्का नहीं और बैंड वाला हाजिर। बस महेंद्र भाई बस। अच्छा भैया चलता। अरे भाई कहाँ चलते हो, रुको जरा। अरे अरे ये क्या करते हो अभी भाई? अरे कभी कभी तो मौका मिलता है आपको ले जाने का। अरे भाई ये तुम्हारी मजदूरी है और कुछ नहीं। और फिर वो कहावत है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अभी भाई मेरा घोड़ा दोस्ती भी करता है और खाता भी है। आपको पैसे ही देने हैं ना? आप गीत बहुत अच्छा गाते हैं, आप मुझे एक दिन गीत सुना दीजिएगा, पैसा वसूल हो जाएगा। अच्छा सुना देंगे भाई सुना देंगे। ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जा। अच्छा भाई क्या तैयारियां चल रही हैं? सलाम हबीब चाचा। सलाम सलाम, कैसी हो सलमा बिटिया? ठीक हूँ। और तुम कैसे हो राजू बेटे? एकदम फिट फाट। अरे और पानी मत डाल। क्यों? देख सब गिर गया। ओ तेरे की। अरे आ गया हबीब। सलाम ताई। सलाम, कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? आपकी दुआ है बस। ले सलमा बेटी, इससे काम चल जाएगा। हाँ एकदम फिट फाट, बहुत बढ़िया। अरे पहले पोताई तो कर, फिट फाट का बच्चा। हाँ तो कर तो रहा हूँ। चल हबीब उधर बैठेंगे। आइए इधर ला, सारा वक्त ऐसे ही गुजार देगा। तो तू ही कर लेना। हाँ हाँ कर रही हूँ। हाँ कर रही हूँ। 18 तारीख को एक प्रोग्राम है, दो दिन खाली है ना? जी ताई खाली हूँ। हाँ उसके दो दिन बाद प्रोग्राम है। चलो अच्छा हुआ, पूरी मंडली और गाजे बाजे के साथ आना, ऐसा समा बांधना कि लोग झूमते रह जाएं। उसकी फिक्र आप मत कीजिए ताई, वो सब हो जाएगा। तू पैसों की फिक्र मत करना, जो बनेगा दे दूंगी। कैसी बातें करती हो ताई, शर्मिंदा करती हो मुझे। खैर आपने ये नहीं बताया कि प्रोग्राम कैसा है। तो इसकी फिक्र मत कर, बस ये समझ ले प्रोग्राम बहुत बढ़िया होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। आओ लाल सिंह, कहाँ से आ रहे हो, खैरियत तो है? अब क्या खैरियत होगी सरपंच बाबू, अब कुछ बताएगा भी, बैठ। अरे आप कुछ बोलो भी। इस ताई ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। साफ साफ बताना हुआ क्या है। अब क्या बताऊं सरपंच बाबू, मेरा तो हिसाब वो सांप और छछूंदर वाला हो गया है, ना उगलते बनता है और ना निगलते, और ऊपर से वो मेरा भतीजा राजू। राजू वो तो गया हाथ से, बेदखल कर दो उस आवारा को, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है बदतमीज। अब क्या करूं सरपंच बाबू, मैं तो समझाते समझाते थक गया हूं। वो ऐसे नहीं मानेगा। फिर कैसे मानेगा? खाना पीना बंद कर दो उसका, दो दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। बस यही तो नहीं कर सकता सरपंच बाबू, यही तो नहीं कर सकता। लाल सिंह सुना है वो हबीब बैंड वाला भी आया था ताई के पास? आया तो था। कमबख्त बताती भी तो नहीं है कि करना क्या चाहती है। सुन तू पता लगा ना। जी अच्छा। इस ताई का इलाज तो है मेरे पास। मास्टर क्या तुम अभी अभी आए हो? बस बैठा सुस्ता ही रहा था। बैठो। बैठूंगी नहीं, बैठने का बखत भी नहीं है। ये बताओ काम हुआ कि नहीं? अरे बैठो तो सही। लो बैठ गए, अब बोलो। काम होगा और जरूर होगा, लेकिन वहाँ। लेकिन क्या? अरे कुछ लोगों ने वहाँ जाकर कह दिया कि गांव में सहमति नहीं है, फूट है,
अब जहाँ सहमति ना हो, फूट हो, वहाँ पर काम का होना मुश्किल होता है ना। अरे कोई फूट वूट नहीं है, पूरा गांव हमारे साथ है सिवाय एक दो लोगों के। अरे यही बात तो मैंने भी कही। अगर उन्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं तो गांव वालों से आकर मिलने, सब दूर हुआ ही समझो। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम बस धीरज रखो, अपना काम तो हो ही जाएगा। सच मास्टर, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। बस घी शक्कर, अरे लड्डू बर्फी दो। खैर अब तुम बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? उसकी चिंता छोड़ो, समय आने पर तुम्हें हर काम पूरा मिलेगा, बस तुम तो अपनी फिक्र करो। मेरे काम की भी चिंता छोड़ ही दो। अच्छा तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे बहुत से इंतजाम करने हैं। ताई का भी जवाब नहीं, जो काम ठान लिया सो ठान लिया, काम पूरा होके रहेगा, चाहे सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल आए। धन्य हो ताई, तुम धन्य हो। लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं, लड़की लड़की। ओह हम कोई बहरे नहीं हो गए, खुदा के फजल से हमारे कान सलामत हैं। ठीक है ठीक है, ताई कहाँ है? आ गया बेटा। हाँ। ले बेटा ये ले रुपए और ये ले लिस्ट, अब जा फटाफट। और कुछ ताई? नहीं देर मत कर, वैसे ही तेरा चाचा हमें गालियां देता फिरता है कि हम तुझे खराब कर रहे हैं। उसकी छोड़ो ना ताई। ठीक से पढ़ ले वरना एक चीज की जगह दूसरी चीज उठा लाएगा। मैं तेरी तरह भुलक्कर नहीं हूँ। जा देर ना कर, और हाँ फोटो फ्रेम भी लेते आना और बोर्ड ऐसा लिखवाना कि लोग देखते रह जाए। एकदम चमचम ताई, पर ये गया और ये आया। बिल्कुल गेलिया है गेलिया। अरे बेटी तूने तो बड़ी सुंदर नक्काशी की है। जुग जुग जी, जुग जुग जी। बेटी आज काम पूरा खत्म हो जाना चाहिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ताई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शाम तक सब कुछ हो जाएगा। हमारा सपना पूरा हुआ ताई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटी।
अरे कौन है? झटपट मचा रखिए। और तो नहीं जी है। कौन था यहाँ? हे भगवान, किसकी मजाल जिसने ये हरकत की? अच्छा, तो ये तेरा काम है? हाँ, हो गया कलेजा ठंडा सरपंच। किसने किया ये सब? किसने किया मुझे बताओ, किसने किया ये सब? अरे ज्यादा भोला मत बन, ये सब तेरी ही करतूत है। भगवान की कसम ताई, मेरे बच्चों की कसम, तुम्हारी कसम ताई, मैंने ये कुछ नहीं किया। मैं इतना बुरा नहीं हूं, मैं इतना बुरा नहीं हूं ताई। बस बस रहने दे, तुम्हें शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें कुछ बताती नहीं, तो सुनो, कल यहां एक शिक्षा केंद्र खुलने वाला था। हमारा सपना था इसमें बच्चे बड़े बूढ़े सब पढ़ेंगे, औरतों को काम सिखाया जाएगा, वो अक्षर ज्ञान के दीप से जगमगाएंगे, हर तरफ रोशनी होगी। सब कुछ बिखर गया, सब कुछ उल्टा हो गया। हमने क्या सोचा था, हम सब साथ रहेंगे, तरक्की करेंगे, कि नहीं? तुम्हें तो अज्ञानता से प्यार है, अंधेरे से प्यार है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। ताई, हम मर नहीं गए हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं ताई। मुझे तो तुमसे बस इतनी शिकायत थी, अगर तुम इस काम में हमें पहले से ही साथ लेकर चलती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? बोलो ताई, क्या बिगड़ जाता? मैं तो सबको साथ लेकर चली थी सरपंच, जो जुड़ सके वो जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़ सके वो नहीं जुड़े। हमारी मेहनत तो बेकार गई ना। चलो ताई, रुको, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये केंद्र खुलेगा, जरूर खुलेगा, और सुबह ही खुलेगा। चलो, हम सब इस केंद्र को सुबह तक ठीक नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आओ, हो जाएगा ना सुबह तक ये सब ठीक हो जाएगा? ठीक, ऐसे ही लगा दो जी। वैसे इस केस का
उद्घाटन ताई से ही करवाएंगे। हाँ है ना, ताई की तो मेहनत कर ली थी जा रही। लाजो ठीक लग गई ना, ताई नहीं करेगी तो कौन करेगी। काम कम करती हो, काम करो काम। क्या बात है ताई, सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब इस केंद्र का उद्घाटन कर दो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी, आप करो इस केंद्र का उद्घाटन। नहीं ताई, मैं उद्घाटन नहीं करूंगा, इसका उद्घाटन तो आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप ही की मेहनत का नतीजा है। ऐसा मत कहो सरपंच जी, इसमें तो सबने ही मेहनत की है। अरे ऐसा करते हैं, हमारी लाजो अम्मा करेंगी। ऐसे लेके आ जाओ, आओ